गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वी हैव ऑलरेडी डन समथिंग, वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। वील कंटिन्यू विद द टॉपिक विच इज लेफ्ट, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक एज सच। ओके, नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट माइक्रो सैटेलाइट एंड मिनी सैटेलाइट, एंड आई हैव टोल्ड यू दैट मिनी सैटेलाइट are as also called as VNTR, variable number of tandem repeats. These are highly polymorphic in individuals. That means the DNA, the sequence of DNA, that is highly variable in each individual. You can also say that it is highly specific, and that is the reason why VNTR we take during the time of DNA fingerprinting. तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहले डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एंड दैट अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन कभी कभी जो है वो इंसर्शन की वजह से हो सकता है, या डिलीशन की वजह से हो सकता है, या इन्वर्जन की वजह से हो सकता है। तो म्यूटेशन की वजह से ये सीक्वेंसेस जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, तो उसको हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए वो सीक्वेंस डीएनए का लेना ज़रूरी है जो कि हाईली पॉलीमॉर्फिक हो। तो वीएनटीआर जो है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है। ओके, नाउ मेन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक बताने से पहले हम आपको कुछ इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ें रिपीट होगी फिंगरप्रिंटिंग के समय। देखिए, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका पावर सप्लाई देखो दिया गया है। यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रोड लिखा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दिया हुआ है। डीएनए एज अ होल नेगेटिवली चार्ज होता है, तो बट नेचुरली डीएनए मॉलिक्यूल अगर नेगेटिवली चार्ज है, इट विल मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, यहाँ पे एक इसमें हम जेल लेते हैं, तो एग्रोस जेल लेते हैं। एग्रोस जेल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, और यहाँ पे हम वेल्स क्रिएट करते हैं जहाँ आप देख रहे हो, विद द हेल्प ऑफ अ शार्प एज सच एज नाइफ छेद बनाते हैं छोटे छोटे। फिर जिस डीएनए को पहले हमने डीएनए आइसोलेट करना है किसी ऑर्गेनिज्म से जिसकी हमको फिंगर प्रिंटिंग करनी, फिर आइसोलेट करने के बाद फर्स्ट स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए। आइसोलेट कहाँ से करेंगे, न्यूक्लियस से करेंगे। इसके बाद विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम, एक तरह का एंजाइम होता है जो कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे डीएनए को कट करा सकता है। तो इससे हम पूरे बड़े से डीएनए को छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लेंगे। कट करने के बाद क्या करेंगे, इन वेल्स के अंदर डाल देंगे, इस इन वेल्स के अंदर। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बेस्ड अपॉन द मॉलिकुलर साइज ऑफ द डीएनए, डीएनए के साइज के हिसाब से डीएनए को सेपरेट कर सकता है इन डिफरेंट बैंड्स। यानी कि अगर जो बड़ा डीएनए है उसको छोटे डीएनए से सेपरेट कर सकता है। तो ये यहाँ पे हमने डीएनए को वेल्स में डाल दिया और इलेक्ट्रोफोरेसिस की शुरुआत की, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई ऑन कर दिया। अब क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ये यहाँ से यहाँ मूव करेगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। जो बड़ा वाला सेगमेंट होता है डीएनए का, वो एग्रोस जेल के पोर के अंदर से मूव करेगा, तो एग्रोस पोर का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है। तो जो बड़े वाले डीएनए के सेगमेंट्स हैं उनमें ज़्यादा हिडरेंस आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, तो उनकी मूवमेंट थोड़ी स्लो होगी। जितना ज़्यादा जो बड़ा होगा उसका उतना स्लो होगा, और जितना ज़्यादा जो छोटा होगा उसका उतना फास्ट होगा। तो जो छोटे वाले डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं वो यहाँ ऊपर की तरफ रह जाएंगे, उससे थोड़े बड़े वाले नीचे आ जाएंगे, उससे और थोड़े बड़े वाले, जो सबसे बड़े वाले वो ऊपर रह जाएंगे, जो उससे थोड़े छोटे वाले हैं उसके नीचे आ जाएंगे, उससे जो थोड़े छोटे वाले हैं और नीचे आ जाएंगे, जो उससे छोटे वाले हैं और नीचे आ जाएंगे, जो सबसे छोटा वाला है वो सबसे जल्दी नीचे पहुँचेगा, और जो सबसे बड़ा वाला है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मूवमेंट में वो एग्रोस जेल, हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय हम जेल लेते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्रोस जेल, उसमें जो पोर साइज है वो बहुत छोटा होता है। जो बड़े वाले डीएनए सेगमेंट्स हैं वो बहुत स्लो पास करेंगे, और जो छोटे वाले डीएनए सेगमेंट्स हैं वो फास्ट पास करेंगे। तो
तो यही वजह है जो छोटे वाले हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे, जो बड़े वाले हैं ऊपर ही रह जाते हैं। तो इसलिए बताया क्योंकि आगे जब हम स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देखेंगे तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये ऑलरेडी बता दिया हमने, आइसोलेशन ऑफ डीएनए न्यूक्लियस से आइसोलेट किया जाता है, डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडियो न्यूक्लियस एंजाइम, जो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एक एंजाइम होता है जो डीएनए को बड़े से डीएनए मॉलिक्यूल को छोटे छोटे हिस्सों में काट देता है। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए बड़े छोटे हिस्सों में कटे हैं, सब बराबर हिस्सों में नहीं कटते, तो जो बड़े वाले फ्रेगमेंट हैं वो ऊपर की तरफ ही रह जाते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में, छोटे वाले नीचे आ जाते हैं। फिर क्या होता है, ट्रांसफरिंग ऑफ सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नायलोन और नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन। अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं कि एक ये देखिए, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में हमने बताया, ब्लड सैंपल लिया, इसको छोटे छोटे हिस्सों में काट, ये पहले एक बड़ा बहुत बड़ा सा डीएनए था, अब देखो छोटे छोटे हिस्सों में काट दिया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लियस एंजाइम, फिर इसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक पेपर डाल देते हैं और वो पेपर नायलॉन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन का होता है। अब ये जो पूरा ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, ये नीचे की तरफ उसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, तो जो इलेक्ट्रोफोरेसिस में छोटे छोटे पोर्स हैं उसके थ्रू नीचे से वाटर ऊपर की तरफ मूव करता है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरी एक्शन, और जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको नायलोज मेम्ब्रेन के ऊपर लेकर पहुंच जाता है। यानी जो अभी डीएनए फ्रेगमेंट्स इलेक्ट्रोफोरेसिस अपरेटस में थे वो किसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन में, जो भी आपने लिया हो। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर ट्रांसफर हो गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर छोटे छोटे प्रोब्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव प्रोब्स, वो रेडियो एक्टिव प्रोब्स वहाँ पे डाल देते हैं। रेडियो एक्टिव प्रोब्स में जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं वो अगर डीएनए में उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस प्रेजेंट है तो उसके साथ हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, और विद इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरे फिल्म उसके ऊपर डाल देंगे। जब एक्सरे फिल्म डालेंगे तो आप जानते हो जो भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा वो अपनी रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, जिसकी वजह से एक्सरे फिल्म पे डॉट 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 स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो जो डॉट 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 स्ट्रक्चर बनेगा वो ये हमें बताएगा कि हाँ डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग हो चुकी है, यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे सबसे पहले हमें डीएनए को सेल से लेना है, उसके बाद उसको छोटे छोटे हिस्सों में काटना है, छोटे हिस्सों को काटने के बाद उसकी इलेक्ट्रोफोरेसिस करनी है, फिर उसको नायलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करना है, नायलॉन मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र करने के बाद उसके ऊपर जो है रेडियो एक्टिव प्रोब वहाँ पर छिड़कने हैं, यानी कि ऐड करने हैं, रेडियो एक्टिव प्रोब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के साथ बाइंड हो जाएंगे, फिर उसके ऊपर एक्सरे फिल्म रखनी है, एक्सरे फिल्म से एक जो है फिगर एक पूरा का पूरा पैटर्न बैंड का शो होगा, उसको हम बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट। ओके, तो यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग खत्म होती है। ओके, अब देखिए स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये देखिए क्रोमोसोम नंबर 7 है, 2 है और 16, ये वाला क्रोमोसोम नंबर 7 है, ये 2 है और ये 16। आप जानते हो एक क्रोमोसोम हम अपने फादर से इनहेरिट करते हैं, एक मदर से इनहेरिट करते हैं, ठीक इसी तरह ये देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ ये जो छोटा छोटा ये चीज़ दिखा रही है आपको, ये रिपीट्स के बारे में बता रहा है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड है। अब मान लीजिए क्राइम सीन पे किसी एक का मर्डर हो गया किसी का, और वहाँ पे हमें कोई डीएनए सैंपल मिला, हमें मालूम है कि ठीक उससे थोड़े समय पहले दो लोग आए थे ए और बी, अब हमें ये पता लगाना है कि ए ने मर्डर किया था कि बी ने मर्डर किया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्राइम सीन में हमें डीएनए मिला है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसका पूरा डीएनए फिंगरप्रिंट निकालेंगे।
अब उसको हमें मैच कराना है उन दो लोगों से जो उस सब थोड़े मर्डर से थोड़ी देर पहले आए थे, और जिससे वो मैच कर जाएगा वही क्रिमिनल होगा। तो अब देखिए यहाँ पे दो लोगों का फिंगरप्रिंट है, ये मान लीजिए कि ए का है और ये बी का है। अब देखिए ये मैचिंग पैटर्न आया है जो जिसको हम बोले जो क्राइम सीन पे मिला है सी। ओके, अब ये ए का आप देख रहे हैं और बी का देख रहे हैं, अब आप बताइए कौन सा 100% आपको सिमिलर दिख रहा है। ए का नहीं दिख रहा है, ए के कुछ सेगमेंट्स तो मैच करते हुए दिख रहे हैं लेकिन बी का 100% मैच करता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब बी ही वो पर्सन है जिसने वो क्राइम किया है, एक्सेप्ट फॉर मोनोजाइगोटिक ट्विन्स। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक है कभी फेल नहीं करती। हाँ, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स के केस में सारे सेगमेंट्स मैच करते हुए होंगे। ओके, तो ये छोटी छोटी चीजें दी हुई हैं। व्हाट इज VNTR, पहले भी हमने बताया था, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट से मिनी सैटेलाइट्स के ही फॉर्म्स होते हैं जिनको हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा ये 0.1 KB से 20 KB लेंथ होती है इसकी। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है कि डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म म्यूटेशंस की वजह से अराइज करता है। अच्छा, 100 में से एक अगर इंसान के डीएनए में चेंजेस आए, एक या एक से ज़्यादा अगर वो परसेंटेज हो, तभी हम उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को फिंगरप्रिंटिंग में इंक्लूड करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वरना नहीं करते। ओके, राइट द स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।